जय श्री श्याम बेटा। आज की क्लास हमारी है डेप्रिसिएशन के ऊपर। क्लास नंबर हमारी कौन सी है? क्लास 5 डेप्रिसिएशन की। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा। क्लास 5 है और मेथड भी शायद 4 हो चुके, 5 ही है ना। हाँ, ये देखो रात तो 5 नंबर। हाँ 5। बात नहीं करेगा कोई। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, मेथड का नाम क्या है? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। लिख बेटा। एक पॉइंट लिखो, डेप्रिसिएशन इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग एनुअल प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन विद एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन बी दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू मशीन्स प्रोड्यूसिंग producing product of uniform specification depreciation इज डिटरमाइंड बाई कंपेयरिंग एनुअल प्रोडक्ट विद एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू मशीन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन। ये इस मेथड की स्पेशलाइजेशन है। जरा सुनना जैसा इसके बारे में भी। प्रोडक्शन यूनिट मेथड कब लगेगा? मशीन आर रेट मेथड कब लगेगा? रिद्धि, मशीन आर रेट मेथड कब लगेगा बेटा? जब मशीन की लाइफ किसमें हो? आर्स में हो, घंटों में हो। मैंने बताया था प्रोजेक्टर की लाइफ क्या होती है? आर्स में होती है। ये 10,000 घंटे निकालेगा प्रोजेक्टर। ये बड़े बड़े जनरेटर देखो क्यूमेंस के, किर्लोस करके, जो बैंक वगैरह के बाहर रखे होते हैं साउंड प्रूफ डीजल वाले, बॉयलर होता है, बहुत सी मशीनें होती है बेटा जिनकी लाइफ किसमें होती है? घंटों के अंदर होती है। तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए भी मेथड कौन सा यूज करते हैं? मशीन आर रेट यूज करते हैं, जो मैंने कल कराया था। ठीक है, ये भी मोस्टली किसके लिए बेटा? मशीन्स के लिए। इसलिए ये याद रखना कौन सा मेथड किस पे लगता है। ठीक है, पांच करें। पहला कौन सा क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा WDV। थर्ड सम ऑफ ये डिजिट मेथड। फोर्थ मशीन आर रेट। और फिफ्थ प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अब यूनिट मेथड मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है और यूनिट बना रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज होती है? मशीन ही यूज होती है। तो ये मेथड भी किसके ऊपर लगेगा? मशीन पे लगेगा। मतलब किसका डेप्रिसिएशन निकालने में लगेगा? मशीन का। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मेथड यूज नहीं होगा। ठीक है, अब कोई मशीन है, ठीक है,
वो कहता है कि मान लो जी पैकिंग मशीन आती है, आप कोई भी चीज बनाते हो फिर उसको पैक करते हो ना, तो कहते हैं ये मशीन है ना लगभग 50-60 हज़ार पैकेट पैक करने के बाद आपको क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, पुरानी हो जाती है या उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है या जो भी है। तो कहता है इस ये डेफिनेट डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग एनुअल प्रोडक्शन विद एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन। कहता है डेफिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा फिर समझ में आएगा कि उसकी टोटल आप क्या ले लो बेटा, प्रोडक्शन ले लो, ये कितनी यूनिट बनाएगी। वहां पर टोटल क्या लेते थे, आर्ट्स लेते थे, यहाँ पर टोटल क्या लेंगे, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस में, यूनिट्स में, ठीक है। तो पर यूनिट डेफिनेशन आ जाएगा और जिस साल जितनी यूनिट बनाए उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी समझाता हूँ, ठीक है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू मशीन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन। अंडरलाइन करना, यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन। मतलब ये मेथड तब लगेगा जब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो यूनिफॉर्म है, सेम बन रहा है बार बार। मतलब इसका मतलब तो उसको बनने में टाइम भी क्या लगता होगा, सेम। यूनिफॉर्म का मतलब सेम, स्पेसिफिकेशन का मतलब उसकी क्वालिटी में, उसके स्पेसिफिकेशन में, उसके डिजाइन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। जैसे ये पेन एक मशीन पे बना होगा, सेम एक बार डाई बनाते हैं इसकी, डाई समझते हो, बनाया डाई बना के उसी साइज के वो 10-20-50 हज़ार रुपये निकाल देंगे। जैसे शादी का कार्ड बनाते हैं, वो एक डाई तैयार करते हैं, आपको उसकी कॉपी देते हैं, भाई साहब नेम वगैरह चेक कर लो, करवा दिए। चेक करने के बाद वो एक कॉपी होती है, उससे सारे 5,000, 2,000, 3,000, 100, 200, 500 जो से पाने सेम रिपीट कर देते हैं। तो वही बात है कि ये मेथड तब लगेगा जब यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन के प्रोडक्ट बनते हो, सेम एक जैसे प्रोडक्ट बनेंगे। समझ आ गई मेरी बात? तो इसका फॉर्मूला लिखो, क्या है डेप्रिसिएशन का बेटा, सुनना। डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएशन इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग पीरियड एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या है, जिस जो अमाउंट हमें डेप्रिशिएट करनी है, मतलब कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, यही ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो माइनस सेल्वेज वैल्यू। मान लीजिए हमने एक मशीन परचेज की, एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, मशीन परचेज की 1,05,000 की, उसकी सेल्वेज वैल्यू 5,000 है, ठीक है। उसकी जो एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन मतलब वो अपनी मशीन लाइफ में टोटल प्रोडक्शन कितनी करेगी, मान लीजिए 20,000 यूनिट बनाएगी वो, बस वो मशीन की लाइफ क्या है, 20,000 यूनिट। मतलब लाइफ किस में दे रखी है, यूनिट्स में दे रखी है। अगर लाइफ आर्स में हो तो मशीन आर रेट लगेगा, और अगर मशीन की लाइफ किस में हो, यूनिट्स में हो, तो यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड लगेगा। आगे बात समझे? अच्छा, अब ये हो गया, बात समझ आ गया। अब अपने को कहते हैं फर्स्ट ईयर उसने 2,000 यूनिट बनाई, कितनी यूनिट बनाई, 2,000। सेकेंड ईयर उसने 3,000 यूनिट बनाई, कितनी यूनिट बनाई, 3,000। अब समझना, अपना फॉर्मूला था डेप्रिशिएबल अमाउंट। भाई मशीन आपने कितने में परचेज की, 1,05,000 में। जब वो मशीन 20,000 यूनिट बन जाएगी, उसके बाद आप उसको स्क्रैप में बेच दोगे, कितने में, 5,000 में। बोलो कर दोगे नहीं,
तो 5000 आपको बोलते रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट, इसको सेल्वेज वैल्यू बोल लो, स्क्रैप वैल्यू बोल लो, रेजिड्यूल वैल्यू बोल लो, मतलब एक ही है, मतलब एंड ऑफ द लाइफ उसके, जब उसको हम एज ए स्क्रैप सेल करेंगे तो हमें इतना रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। तो अब बताओ 5000 तो वापस रिकवर हो जाएंगे, 1,05,000 रुपए लगे, तो नेट आपका लगा कितना, 1,00,000, दैट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। बोलो बात समझेंगे, मतलब हमें 1,00,000 के ऊपर क्या लगाना है, डेप्रिशिएबल, मतलब कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो बेटा बताओ कितना लिख दूं यहां पर, सीधा डायरेक्ट लिख दूं कितना, 1,00,000 इंटू, आप बताओ इसकी टोटल लाइफ क्या थी बेटा, टोटल लाइफ क्या बताओ, एस्टिमेटेड लाइफ क्या, 20,000, ये 20,000 यूनिट बनाएगी, कितनी यूनिट बनाएगी, 20,000। सुनना ध्यान से, अब 20,000 ये 1,00,000, 1,00,000 को 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5, मतलब अब सुनो, एक यूनिट बनाने में एक मशीन का एक्सपेंस कितना आता है, 5 रुपया आता है, ये कॉस्टिंग है जो इंटर में पढ़ोगे आप, ये मशीन आर रेट, ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, ये वो सब पढ़ोगे आप। अभी तो एक यूनिट पे मशीन का खर्चा कितना आ रहा है, 5 रुपए। फिर वो कहेगा इस पर, सुनो ध्यान से, एक यूनिट बनाते हो, आपको ऑर्डर मिला फॉरन से कि आपको 5000 यूनिट बना के देनी है सर, किस चीज की, मतलब टॉय देने, खिलौने देने, 5000, तो आपको प्राइस क्या करना है, कोट करना है, क्लाइंट को प्राइस कोट करके बताना इतने का पड़ेगा। तो बोलेगा एज ए कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट कंसल्टेंट, आपको क्या बना देगा, कॉस्ट कंसल्टेंट, आप बताइए कि उसका प्राइस क्या होगा, ये आपकी कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है। तो आप क्या करोगे, उसकी प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, आप एक यूनिट का प्राइस पूछा उसने आपसे, आप देखोगे सबसे पहले एक यूनिट बनाने में मटेरियल कितना लगेगा, मटेरियल लगा 10 रुपए, क्वेश्चन देगा डाटा आपको, फिर आप मटेरियल 10 रुपए का लगेगा, उसको मटेरियल को बनाने के लिए लेबर भी यूज होगी, लेबर कितनी लगेगी, लेबर पता लगा 3 रुपए यूज होगी एक यूनिट पे, कितने होगी 13, मटेरियल लगी, लेबर लगी, मशीन कितनी यूज होगी, जैसे 5 रुपए निकाला, कितना हो गया 18, 2 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, मशीन चलेगी, कितने हो गए 20, सब बेस करके एस्टिमेट निकाल के, ठीक है 20, और 5 रुपए आपने अपना प्रॉफिट कमाना है, कितना हो गया सेल प्राइस, तो आप अपने क्लाइंट को कितना कोट करोगे, 25 कोट करोगे, और भी समझ आए, ऐसे निकालते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि मशीन पे 1,00,000 खर्च हुआ, मशीन अपनी मशीन 20,000 यूनिट बनाएगी, तो एक यूनिट में मशीन का कितना खर्चा आ गया, 5 रुपए, तो आपको एक यूनिट बनी तो 5 रुपए डेफिनेट लगाना चाहिए। फर्स्ट ईयर में आपकी यूनिट कितनी बनी, 2,000, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा, 2,000 से, बोलो बात समझ आएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर का डेफिनेट कितना आ गया, 10,000। हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाते ही आंसर आएगा, मैं तो वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड ईयर का पूछा है, सेम बेटा, 1,00,000 डिवाइड बाय लाइफ कितनी, 20, बस चेंज क्या होगा, मल्टीप्लाई चेंज होगा, सेकंड ईयर में कितनी यूनिट बनाई, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, कितना आया, 15। कोई डाउट है क्या, एग्जाम्पल नोट कर लो फटाफट, हर के नीचे, हर मेथड के नीचे आपका एग्जाम्पल नोट होना चाहिए, ताकि रिविजन के टाइम दिक्कत ना आए।
वो डाउट है क्या? नेक्स्ट देखिए, सिक्स मेथड लिखो बेटा। सिक्स डिप्लीशन मेथड या डिप्लेक्शन मेथड, अलग अलग पढ़ना, डिप्लीशन मेथड होना चाहिए, सही नहीं भाई, कई बोलते हैं डिप्लेक्शन, नाम तो पढ़ा हुआ है आपने, डिप्लीशन मेथड। बेटा इलेवेंथ में आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ है, अगर शायद पढ़ा हो तो DEPLETION, डिप्लीशन मेथड, प्रोनाउंसिएशन अलग है, नाम सेम ही है, कई टीचर कई व्यक्ति डिप्लेशन बोलते हैं इसको, डिप्लीशन है वैसे तो, सही नाम तो एक ही है। आपने एक वोस्टिंग एसेट्स पढ़ी थी, या वास्टिंग एसेट्स, जो भी नेचुरल वोस्टिंग एसेट्स पढ़ी थी क्या? नहीं पढ़ी हुई, ये तो CUT में आएगा क्वेश्चन बेटा। वास्टिंग एसेट्स थी, वास्टिंग एसेट्स क्या होती है? हाँ बिल्कुल, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? वोस्टिंग एसेट्स बोलते हैं, याद है? नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स के अंदर बताओ, ऑयल वेल, तेल के कुएं, माइंस, और एक कुएं क्या थी, अरे बोलो, गुफा को क्या बोलते हैं? हैं केव बोलते हैं, पक्का? हाँ ठीक है, तो मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ, सुनना बेटा ध्यान से, जो वोस्टिंग एसेट्स होती है उनकी लाइफ, जैसे कि ऑयल वेल हो गया, ठीक है, या माइंस होगी, जैसे कोल माइन होगी, कोल माइन समझ गए, कोयले की माइन होगी, या गोल्ड माइन होगी, ठीक है, या जिसमें माइंस में बेटा देखो आपको पता है जितने भी मटेरियल है, जिप्सम है, कॉपर है, समझ रहे हो, ये सब चीजें माइन में से निकलते हैं, ये ग्रेनाइट है, ये भी माइन होती है बेटा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, जब तक इनमें ये नेचुरल रिसोर्स है तब तक उसकी वैल्यू है, वो एसेट्स है, उसकी क्या बेटा वैल्यू है। अब मान लीजिए कोई जे अपनी कोल माइन है, कोयले की माइन है, उसमें कोयला है, तो लोग उसमें से कोयला क्या निकालेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर डिस्ट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे उसमें से, ठीक है, उसकी वैल्यू तब तक है जब तक उसमें से कोयला निकल रहा है, कोयला निकलने के बाद तो खाली हो जाएगा, फिर तो छिपम छिपाई खेलने काम आएगा, फिर तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। अरे बोलो, बात समझ आएगी नहीं आई? तो ये नेचुरल वोस्टिंग एसेट्स होती है, उनकी वैल्यू तब तक रहती है जब तक उसमें वो नेचुरल रिसोर्स निकल रहा है, जैसे ऑयल वेल है, ठीक है, उसमें से उस आपको पता है जैसे आपकी कोई लैंड है वहां पर ऑयल निकल गया तो उसको आप यूज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है, सर हम तो पेट्रोल पंप लगाएंगे वहां, नहीं लग पाएगा बेटा। जहाँ अगर ऐसा होता है, ये नेचुरल रिसोर्स होते हैं बेटा, अगर आपके यहाँ पर लैंड पर निकल जाता है तो आप उसके कंट्रोल ही गवर्नमेंट ले लेती है, वो कंट्रोल में, ठीक है, फिर गवर्नमेंट आके लाइसेंस पे लीज पे आके देती है, हैं? कहाँ करेगी, रोज पिएगी इसको बेटा, सेल तो करेगी, कुछ ना कुछ तो यूज करेगी मार्केट में, आपके क्वेरीज बोलते हैं इसको, वो भी एक तरीके की जो माइंस ही होती है, जो लंबी सुरंग टाइप होती है ना, उसको बोलते हैं, बोले है माइंस ही, समझ आ गया बेटा। जिसको आप केव बोल रहे थे ना, टनल बोल रहा था, केव बोल रहे थे, सी लिखिएगा, इट कंटेन Only a certain quantity of product.
डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट ड्यूरिंग द ईयर। आपसे पूछे डिप्लीशन मेथड कहां यूज होता है, नेचुरल वेस्टिंग एसेट्स के केस में यूज होता है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहां पर बी केस में लिख लो नेचुरल वेस्टिंग एसेट्स, मतलब ये माइंस है, क्वारीज है, ऑयल वेल है, ये सब क्या है, नेचुरल वेस्टिंग एसेट्स है, नेचुरल वेस्टिंग एसेट्स लिख लिया। डिप्लीशन मेथड किस में होता है, नेचुरल वेस्टिंग एसेट्स। अब नेचुरल वेस्टिंग एसेट्स के क्या एग्जाम्पल है, ऑयल वेल, कोल माइन, गोल्ड माइन, सिल्वर माइन, कॉपर माइन, क्वारीज, समझ गए, गुफार सुरंग टाइप होती है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, समझ आई कि नहीं आई मेरी बात, तो उसको कुछ इंसेंटिव देके, अच्छा वर्ड यूज करो ना यार, समझ मेरी बात को, तो उसको तो इसीलिए ये माफिया टाइप काम हो जाता है बेटा, जो माइनिंग की लैंग्वेज में वो देखना अलग ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो उस प्रोसेस के अंदर ये वोस्टिंग एसेट्स होती है वो लेता है। अब वो क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रिलिंग होती है उसकी, ड्रिलिंग समझते हो, ड्रिलिंग होती है 150-200 फुट तक वो जाता है, ड्रिलिंग की मशीन आती है, फिर उसमें ड्रिलिंग में वो बारूद डालते हैं, बारूद डाल के उसको विस्फोट करते हैं, विस्फोट करके वो नीचे से प्रोडक्ट निकल के आता है, फिर उसको टेस्ट करते हैं कि इस क्वालिटी कैसी है ग्रेनाइट की या मार्बल की, उसके बाद रेट फाइनल होता है कि ये मैं इतने में लूंगा, नहीं तो कल को ले ले जी माउंटेन बहुत ऊंचा है, बहुत बढ़िया है, तो हो गया डील होगी 500 करोड़ में, बाद में खोदा डील खोदा गया मिट्टी मिट्टी निकलती गई उसके अंदर से, कंक्रीट निकल रहा है, और निकल रहा है, वो ढेर तो इतना अच्छा लग रहा था उसके अंदर कोई, समझ रहे हो, बहुत ऊंचा था, पेड़ वर्ग खड़े होते, लेकिन नीचे मटेरियल नहीं निकल रहा अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। तो ये लीज पे भी देती है गवर्नमेंट 10 साल के लिए, 20 साल के लीज के लिए, आप जितना निकालोगे पर टन के हिसाब से गवर्नमेंट को क्या देनी है, लीज देनी है, लीज पे भी मिलते हैं ये। एनीवे ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, अपना सिंपल सा मेथड है, कोई हार्ड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो बाकी टीचर तो फॉर्मूले 6 के 6 एक बार पहले पेज पे लिखा के और 2 दिन में डेफिनेशन खत्म, अपनी ये 4th क्लास है, अभी 2 क्लासें और लग जाएंगी सर, आगे अब क्या रह गया, पहले तो स्ट्रेट लाइन लगा रहा था, अब कहता नहीं WT लगाऊंगा, मेथड क्या कर रहा है डेफिनेशन का चेंज कर, वो बताऊंगा, इंटर में बहुत यूज होगा, यहाँ पर भी है हमारे सिलेबस में, ठीक है। फिर एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करेगा, सेल करेगा, तो सेल करने में क्या तो उसका प्रॉफिट होगा और क्या उसको क्या होगा, लॉस होगा, ये टॉपिक करेंगे। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, आपने माइन कितने में ली, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, उसमें से कितनी माइन निकलेगी सर, कौन बताएगा, कुछ बताएगा, आपकी टेंशन नहीं है, समझ आ गई मेरी बात, तो वही बात आ गई बेटा, पर यूनिट आ गया कि नहीं आ गया एक तरीके से, और आपने कितना किस साल में निकाला, मतलब ये मशीन आर रेट, प्रोडक्शन यूनिट और डिप्लीशन, तीनों के तीनों क्या है, सेम है, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल, तीनों सेम है, आप ऐसे लिंक करो चीज को, टोटल कॉस्ट लेनी है, टोटल उसकी लाइफ लेनी है और कितना निकाला वो लेना, बस खत्म हो गया, तीनों में यही है, मशीन आर रेट में भी यही था, नाम बदला है भाई, मशीन आर रेट है तो वहां मशीन आर्स ले लिए, ठीक है, यूनिट थी तो वहां आर की जगह यूनिट ले लिया, और यहाँ बेटा क्वांटिटी ले लेंगे, क्वांटिटी किसी में भी दे, वो अपने को केजी में दे, क्विंटल में दे, टन में दे, यूनिट में दे, समझ आएगी ये, बट यहाँ टन में ही होता हैवी काम है ना, फिर क्विंटल केजी तो चलेगा, एक टन में कितने क्विंटल होते बेटा, एक टन में कितने क्विंटल होते हैं, 100, 1000, 100, 100, 1000,
लोकेश, नवीन, अभिषेक, सो फिर प्रवीण, रिद्धि, बेटा ये कुछ एक्स्ट्रा वर्क था, ठीक है। तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं और 1 क्विंटल में 100 kg होता है और 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं। हालांकि ये तो सबको पता होता है, इसमें कई बार बच्चा मिस्टेक कर देता है, लेकिन आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। 1 टन में कितना होता है? 10 क्विंटल होते हैं। आगे बात समझ चलिए। तो इस मेथड में बेटा बिल्कुल सिंपल है, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट ले लो और टोटल क्वांटिटी ले लो और जितना आपने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सप्लोर किया, निकाला जो आपने, उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फॉर्मूला लिख लिया, चलिए लिखो बेटा, एग्जाम्पल करवा रहा हूं एक। कोल माइन लीज पे ली, क्या ली बेटा, लीज का समझते हो, लीज को मतलब रेंट पे ली, एक तरीके से समझो, रेंट छोटे समय के लिए होता है, लीज हाँ मतलब एंड ऑफ द लाइफ, लगभग बहुत बड़ा कवर करती है टाइम, लीज पे ली और लीज अमाउंट जो थी हमारी वो मान लीजिए कोल माइन लीज पे ली 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए में, कितने बेटा 50 लाख, और टोटल जो उसमें से निकलना है, टोटल क्वांटिटी कितनी निकलने की एस्टिमेशन है क्या बेटा, कि उसमें से कोयला निकलेगा लगभग 1 लाख टन, कितना लगेगा 1 लाख टन, फर्स्ट ईयर एक्सट्रैक्ट किया आपने 1000 टन, सेकंड ईयर में कोयला निकाला आपने 5000 टन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सिंपल है बेटा, डेप्रिसिएशन निकालोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ आपका कितना रुपए लगे माइन का, 50 लाख में आपने लीज पे लिया है, बोलो एस्टिमेशन क्या लगाया आपने, जब आपने ड्रिलिंग की और की प्रोसेस में आपने, इंजीनियर वगैरह होते हैं सब देते हैं आपको निकाल के बेटा, तो कितना निकलने की उम्मीद है, 1 लाख टन, तो 50 लाख को 1 लाख टन से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया, 50 आया, मतलब 1 टन की आपको कितना रुपया लगा है, 50, मतलब 50 रुपये में 1 टन आ रहा है कोयला, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आता है, वो आगे आगे निकलता है और बहुत प्रोसेस होती है, और पहले ईयर में आपने कितना निकाला 1000, तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1000 से, ये डेप्रिसिएशन आ गया, फर्स्ट ईयर का आ गया, ये किसका आ गया, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना आया 50,000, और सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन पूछा क्वेश्चन में मान लो, तो सेम बेटा क्या कॉस्ट थी, 50 लाख, सर इसमें से सैलवेज वैल्यू लेस नहीं किया, मैंने तो कहा तो है खाली गुफा क्या काम आएगी छुपम छुपाई खेलने में, समझ रहे हो, तो लगभग उसकी सैलवेज क्या होती है, 0 होती है, डिवाइड बाय, और सेकंड ईयर में कितना निकाला आपने मल्टीप्लाई, कितना आया 2 लाख, नोट कर लो जी, बिल्कुल सिंपल है ये, बिल्कुल भी हार्ड नहीं, तीनों के तीनों मेथड, मशीन आर रेट, प्रोडक्शन यूनिट मेथड और डिप्लीशन मेथड, बिल्कुल इजी है, तीनों एक ही बेस पर है, पर यूनिट निकालो और जितना उस साल में निकालो उससे मल्टीप्लाई करो।
ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको। अब अगला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मतलब ये अमाउंट यहां पर बंद हो गई, इससे आगे कोई है नहीं, इसका लॉजिक ये होता है। ये कह रही है कि ये क्या लगाते हैं, स्लैश लगा, मतलब वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना, इसके आगे कुछ नहीं है। इसे क्या है, लास्ट फाइनली अमाउंट पर एक फोकस भी जाता है देखा जाए तो। चलिएगा, अब हम बात करेंगे आज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, या इसको बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऑब्लिक डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल से ही समझा पाऊंगा अच्छे से। आपने 1 अप्रैल 2013 1 अप्रैल 2013 को एक मशीन परचेज की बेटा 5 लाख की, किसकी 5 लाख की, डेप्रिसिएशन है बेटा 20% स्ट्रेट लाइन मेथड, कौन सा मेथड है, ठीक है, ऑन 30th सितंबर 2016 मशीन सोल्ड रुपी 1,80,000, कैलकुलेट प्रॉफिट ओब्लिक लॉस। अब कहता है कि ये एग्जांपल दे दिया मैंने, क्वेश्चन दे दिया आपको, कि कहता है कि ये मशीन हमने यूज की और हमारे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब एक बच्चा बोलता है दिनेश सर हम लाई कितने की थी 5 लाख की, बेची कितने में 180 में, तो सर लॉस हो गया भाई, 5 लाख की परचेज करके लाए थे और आपने बेची कितने में 1,80,000 में, तो सर आपको 3,20,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ध्यान से सुनना बेटा, सुनो मैं आपसे नहीं पूछ रहा, सुनो एक बार, ये लॉस 3,20,000 का नहीं हुआ, जो आप कंपैरिजन कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो। ये जो वैल्यू है वो कब की है, 1 अप्रैल 2013 की, और जो ये वैल्यू है ये कब है, 16 की, दोनों का बेस सेम नहीं है। मतलब ये वैल्यू 13 की और ये वैल्यू 16 की, तो कंपेरेबल नहीं है पहली बात तो। अब एक बच्चे के 10th के मार्क्स को आप दूसरे बच्चे जो सेकंड क्लास में उससे कहता कंपेयर कर किसकी ज्यादा है, वो कहेगा 100% है मेरे तो, सेकंड क्लास में आपके भी 100% ही होंगे, टीचर्स वैसे भी फुल देते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स आगे हमारे ऐसे ही, समझे मेरी बात को, तो कंपेरेबल नहीं है क्योंकि सेकंड क्लास का और वो 10th क्लास का। तो ऐसे ही क्या करेंगे, हमें ये वैल्यू जो है ना 13 है ना, ये आपको पता है उतने साल का डेफिनेस करेंगे पता है मेरे को, लेकिन लॉजिक सुन लो, ये 13 की वैल्यू है और ये 16 की। अब 30 सितंबर को सेल की है तो 30 सितंबर की इसकी वैल्यू निकालो, 30 सितंबर 2016 30 सितंबर 2016 को मशीन की वैल्यू कितनी है, और मशीन की वैल्यू हर साल धीरे धीरे क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। तो आपको 30 सितंबर 2016 की मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए, उस दिन की वैल्यू, उस दिन की वैल्यू को क्या बोलते हैं, WDV। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 30 सितंबर 2016, समझा गई मेरी बात, 30 सितंबर 2016 क्या निकालेंगे, WDV। अब बच्चा कहता है ये कैसे निकलेगी, सुनो ध्यान से, आपने 1 अप्रैल 2013 को जो खरीदी उसको जो परचेज प्राइस बोल दो बेटा, या ओरिजिनल कॉस्ट बोल दो, या ओपनिंग WDV बोल दो, एक ही मतलब है। कारण सुन लो, अभी खरीदी आपने 1 अप्रैल को होती है वो ओपनिंग वैल्यू होती है, और 31 मार्च को होती है वो क्या होती है, क्लोजिंग। तो आज खरीदी तो यही परचेज है, यही ओरिजिनल कॉस्ट है और यही ओपनिंग वैल्यू है 1 अप्रैल 2013 की। बोलो समझ आएगी नहीं है, कितनी है बताओ, 5 लाख।
ठीक है, अब आप डेफिनेट लगाओ एक कंप्लीट ईयर का, कंप्लीट ईयर का मतलब 13-14 का, 13-14 समझ गए, जब भी ऐसे लिखो तो समझ लेना 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 मतलब फाइनेंशियल ईयर इसका ये है। तो एक साल का आप डेफिनेट लगाएंगे, बताओ कितना बेटा ये 5 लाख, डेफिनेट की रेट क्या है 20% क्या है SLM है, तो इसका 20% कितना आया 1 लाख, ये जो वैल्यू कितनी बच गई 4 लाख। ये बेटा 31 मार्च 2014 की क्या है क्लोजिंग WDV, बोलो है या नहीं है, और 1 अप्रैल 2014 की है ओपनिंग वैल्यू, ये सबको पता है बातें, बोलो बात समझाएगी नहीं, मतलब एक साल की क्लोजिंग अगले साल की क्या होती है ओपनिंग, कोई डाउट है क्या। फिर ये ऐसे ही आप डेफिनेट लगाओगे किसका बेटा 14-15 का, अब 4 लाख पे लगाएंगे नहीं, वो तो WDV मेथड में होता है ना, स्ट्रेट लाइन में तो हमेशा किस पे लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, बोलो बच्चों। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 5 लाख, उसका 20% सेम आएगा 1 लाख, वैल्यू क्या आ गई, ये कब की वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई आपकी 31 मार्च 2015, यहां तक किसी को डाउट है क्या, बोलो। 2 साल का डेफिनेट मैंने क्या कर दिया लेस, बात समझ आ गई। फिर आप डेफिनेट लेस करोगे कब का 15-16 का, कुछ समझ में आ रही बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस वो कि बहुत सिंपल है तो भी मैं लिख के दिखा रहा हूं। 15-16 का बेटा मतलब 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, बट हमें 31 मार्च 2016 तक जाना ही नहीं, उससे पहले बैंड बजेगा मशीन का, तो बोलो गलत नहीं सही बोल, गलत बोल रहा हूं वो बच्ची से जानगी, अरे बात सुनो भूमि जी डबल तैयारी, अपने 15-16 का डेफिनेट कंप्लीट लगेगा, 31 मार्च 2016 आएगा, फिर उसके बाद आएगी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, आगे बस। तो 15-16 का लगाओगे सेम आएगा बेटा, 5 लाख का कितना 20% कितना आया, वैल्यू कितनी बच गई 16, ये वैल्यू कब की आ गई 31 मार्च 16 की आ गई, आ गई या नहीं आ गई। अच्छा अब 31 मार्च 2016 की तो बेची नहीं, अपनों ने ड्यूरिंग द ईयर बेची है, मतलब अभी ये वैल्यू यहां खड़ी है 31 मार्च 16 को, और ये वैल्यू कहा है 30 सितंबर 16, ये कहती आ जा यहां पे, कितना गैप है 6 मंथ का, तो इसमें 6 मंथ का डेप्रिसिएशन है और लगाना पड़ेगा, बोलो बात समझ आएगी। तो सुनना जरा ध्यान से, डेप्रिस लगाएंगे कितने बेटा 6 मंथ का, बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को क्या। अच्छा लेकिन कौन सा मेथड है ये, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे हमेशा किस पे लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 5 लाख, उसका 20% कितने टाइम का 6/12, रेट होगी कि नहीं होगी 6/12, सर ये 4 मंथ होता तो 4/12 हो जाता, डरने की क्या बात है, 3 मंथ होता तो 3/12 हो जाता, डेज में होता तो 35 डेज होते तो 35 × 365 हो जाता, लेकिन डेज में नहीं आएगा, आपको बता रहा हूं वैसे हो तो डेज में निकाल देंगे। अरे बोलो धन्यवाद, कितना आएगा पता ही आप आएगा 6 महीने, कितना आएगा 50,000, तो इस ये वैल्यू आ गई इसकी 1,50,000, ये वैल्यू आ गई बेटा क्लोजिंग WDV, मतलब आपने निकाल दी, कब की निकाल दी वैल्यू क्लोजिंग, ना ही लिखो रिटर्न डाउन वैल्यू, लिखो आप रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई अपनी 30 सितंबर 2016 की, मतलब 16 को 30 सितंबर को इस मशीन की ये वैल्यू है, और ये मशीन आपने कितने में बेची, और तब क्या लग रहा था लॉस, टाइम भी तो सेम होना चाहिए, तो इस दिन अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन मेथड इस दिन इसकी वैल्यू हमारी बुक्स में कितनी बनेगी 150, और 150 की आपने कितने बेची 180 में, तो आपको क्या आएगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे सुनो, सेल प्राइस माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 30 सितंबर 2016, सेल प्राइस भी कब का है 30 सितंबर 2016 का, रिटर्न डाउन वैल्यू भी कितनी है 30 सितंबर 2016 की, दोनों सेम डेट की है, कैलकुलेशन हो जाएगी कितना 180 माइनस 150, प्रॉफिट कितना आया 30,000, नोट कर लो।
इसको ऐसे थोड़े करेंगे एग्जाम में, शॉर्टकट लगाऊंगा। हाँ ये तो लॉन्ग कट था, अभी शॉर्टकट से कराऊंगा, बता दिया। ऐसे करेंगे तो बस हो गया पेपर पूरा, फिर है बेटा शॉर्टकट लगाएंगे इसके ऊपर।